लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आखिर किसने दिया था हनुमान जी को श्राप? कैसे अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे हनुमान जी? क्यों जामवंत को याद दिलानी पड़ी हनुमान जी को उनकी शक्तियां? जानेंगे इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर पौराणिक कथा के आज के इस भाग में। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूले। वीर बजरंगबली हर सनातन भक्तों के लिए आस्था के मुख्य केंद्र है। वे भक्तों के संकट मोचन है। जब राम जी पर भी संकट आया था तो उन्होंने हनुमान जी को ही याद किया था और राम भक्त हनुमान जी ने उन्हें सारे संकटों से मुक्त किया था। लेकिन वीर बजरंगबली को भी एक श्राप मिला था। आइए जानते हैं उसके पीछे की कहानी को। यह कहानी हम सभी जानते हैं कि बचपन में हनुमान जी अत्यंत शरारती थे। एक बार तो भूख लगने पर उन्होंने सूर्य देवता को फल समझकर खा लिया था। सूर्य को निगल जाने के कारण संपूर्ण संसार में से प्रकाश विलुप्त हो गया था और हनुमान जी के मुख से सूर्य को बाहर निकलवाने के लिए देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज से प्रहार कर दिया था और हनुमान जी की ठूठी पर इसका गहरा आघात पहुंचा था। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर पवन देव क्रोधित हो गए थे। बजरंग, बस बजरंग, मैंने देख लिया स्वर्ग के सम्राट इंद्र ने तुम पर वज्र प्रहार किया है, परंतु बजरंग तुम रुद्र के अवतार हो, वज्र के अंगों वाले तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंद्रदेव, तुमने अपने शक्ति के अभिमान में आकर एक बालक पर वज्र प्रहार किया। तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हारे इस अपराध का दंड तुम्हें ही नहीं सारी सृष्टि को भुगतना होगा। मैं पवन देव यह घोषणा करता हूं कि मैं संसार के प्राण वायु को अपने में खींच कर पवन का संचार बंद कर दूंगा। बिना प्राण वायु के सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और उन्होंने संपूर्ण संसार से प्राण वायु छीन लिया था, जिसके कारण मनुष्य समेत सभी प्राणी त्राही माम कर रहे थे। उनका क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवताओं ने उनके पुत्र मारुति को अतुल्य शक्तियों का वरदान दिया था और मारुति वीर बजरंग बली बन गए थे। देवगणों, ये बालक भविष्य में सबका हित साधन करेगा। इसके पराक्रम से धर्मात्माओं का कल्याण होगा। आप सब लोग मिलकर हनुमान को वरदान दीजिए। सबसे पहले मैं ब्रह्मा बजरंग हनुमान को वरदान देता हूं कि इसे ब्रह्म शाप से कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा और इसके अंग पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस बालक पर भी मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। हनुमान का शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर और बलशाली होगा। मैं हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान करता हूं। ये विद्वान, प्रतिभावान, संगीतज्ञ और ज्योतिष विद्या का पारगामी होगा और मैं स्वयं इसे हर प्रकार की विद्या भी प्रदान करूंगा। जय श्री राम। अपनी दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण बाल हनुमान और भी अधिक शरारती हो गए थे। वे प्रायः तपस्या में लीन रहते साधुओं की तपस्या भंग कर देते और वहां से चले जाते। ऋषि मुनियों को उन पर अत्यधिक क्रोध आता था। उनका मानना था कि अपनी शक्ति के कारण हनुमान जी उन्हें ईश्वर की भक्ति नहीं करने देंगे। वे ऋषि मुनि हवन कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हवन करेंगे। हाँ हाँ, अवश्य करेंगे। तो मैं यहाँ पीछे छुप के देखता हूँ कि तुम हवन कैसे करते हो। देखो, भूल न करना। नहीं, हम भूल नहीं करेंगे। ये क्या, ये सारे के सारे वानर इस तरह इसी ओर क्यों चले आ रहे हैं? दिन पर दिन बाल हनुमान की शरारतें बढ़ती गईं। इस बात से क्रोधित होकर भृगुवंशी ऋषियों ने बाल हनुमान को यह श्राप दिया कि जिस शक्ति के बल पर तुम इतना उत्पाद मचा रहे हो, तुम इन सारी शक्तियों को ही भूल जाओगे और एक सामान्य बालक बनकर रह जाओगे। अब हमारी सहन शक्ति की सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी है। हनुमान,
हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारे बल और श्रेष्ठता का गर्व समाप्त हो जाएगा। तुम अपने बल और रिद्धि सिद्धियों को भूल जाओगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार तब माता अंजनी अपने पुत्र को श्राप मुक्त करने के लिए ऋषियों से आग्रह करती हैं। तब ऋषि कहते हैं कि वे श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकते, किंतु इसका प्रभाव जरूर कम कर सकते हैं। वे कहते हैं शक्तियों का विस्फोरण हो जाने के बाद भी यह सारी शक्तियां इनके पास ही रहेंगी, और जैसे ही इनको कोई इनकी शक्तियों का आभास कराएगा, इनकी सारी शक्तियां इनको पुनः याद आ जाएगी और ये उन शक्तियों का उपयोग भी कर पाएंगे। एक कहानी ऐसी भी मिलती है कि बजरंगबली को श्राप देने के बाद पवन देव रुष्ट हो गए थे। तब ऋषियों को यह स्वयं आभास हुआ कि जरूर उन्होंने बाल हनुमान जी को श्राप देकर कोई अनिष्ट कार्य किया है, और तब सामने से उन्होंने श्राप का निवारण यह किया कि जब उन्हें कोई उनकी शक्तियां याद दिलाएगा तो उनकी सारी शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी और वे उसका उपयोग फिर से कर पाएंगे। और एक मान्यता यह भी है कि केसरी और अंजनी माता अपने शरारती पुत्र हनुमान जी को भृगुवंशी ऋषियों के पास ले जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनकी शरारतों को कम करने के लिए कोई उपाय सुझाए। तब भृगुवंशी ऋषि बाल हनुमान को यह श्राप देते हैं कि जिस शक्ति के आधार पर बाल हनुमान इतनी शरारत करते हैं उस शक्ति को ही वे भूल जाएंगे, किंतु जब कोई उन्हें इनकी शक्तियों का स्मरण करवाएगा तब इनकी शक्तियां इन्हें वापस याद आ जाएंगी। तीनों कथाओं से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि बाल हनुमान के शरारतों के कारण ही ऋषि मुनियों ने उन्हें उनकी शक्ति भूल जाने का श्राप दिया था। जब गिद्धराज जटायु के भाई संपाति ने माता सीता की खोज कर रही वानर सेना को बताया कि माता सीता रावण की लंका में है, तब यह प्रश्न उठा कितनी दूर माता को खोजने जाएगा कौन। संपूर्ण सेना में मात्र जामवंत जी और हनुमान जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्र पार कर सकते थे, किंतु जामवंत जी ने कहा कि वो चले तो जाएंगे किंतु शायद वापस लौटने का सामर्थ्य उनमें नहीं होगा। तब सभी ने बजरंगबली से कहा कि आप समुद्र को लांघ कर लंका जाइए और माता सीता का पता लगाइए। तब हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं थी, वे उधेड़ मुन में थे कि आखिर वो कैसे इतने विशाल समुद्र को पार कर सकते हैं। जामवंत सबसे श्रेष्ठ थे, उन्हें पता था कि हनुमान जी को शक्ति का विस्मरण होने का श्राप मिला है और इसी कारण से हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं है। जामवंत जी को इसका निवारण भी पता था कि जब कोई उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण करवाएगा तो उनकी सारी शक्तियां याद आ जाएंगी और वे उनका उपयोग फिर से कर पाएंगे। तभी जामवंत जी ने संपूर्ण वानर सेना समेत हनुमान जी की स्तुति की, उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने बालपन में सूर्य जैसे तेजस्वी को निगल लिया था, तो ये समुद्र कौन सी बड़ी चीज है। जामवंत समेत संपूर्ण वानर सेना हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने में सफल होते हैं। सबके स्मरण कराने पर हनुमान जी को उनकी सारी दैवीय शक्तियां याद आ जाती है। वे विशाल आकार बनाकर श्री राम प्रभु का नाम लेते हैं और एक ही छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। बीच में आई बाधाओं का भी वे सामना करते हैं। अंततः अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं, उन्हें श्री राम प्रभु की दी हुई अंगूठी देते हैं और उनकी खबर लेकर पुनः श्री राम प्रभु के पास लौट आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह रोचक कथा अच्छी लगी हो और आपको पता चला हो कि आखिर क्यों हनुमान जी भूल गए थे अपनी सारी शक्तियां और आखिर किसने दिया था उनको शक्तियों के भूल जाने का श्राप। एक और रोचक कथा के साथ हम आपसे मिलेंगे पौराणिक कथा के अगले भाग में।